बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने बलिया के व्यापारियों के साथ व्यापारी बैठक कर संवाद किया। असलहा व्यापारी नंदलाल गुप्ता की आत्महत्या के मामले को लेकर कहा कि कुछ लोग अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी से कुछ ज्यादा आश्वासन चाहते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं कि जब मैंने उन लोगों से बात कर ली है तो मुझसे बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं। वहीं कानून तोड़ने वाले को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि व्यवसायी हो या गैर व्यवसायी, किसी ने भी अगर इन्हें धमकी देने और कानून तोड़ने का काम किया तो मैं छाती थोक कर बताऊंगा कि उनकी मां ने उन्हें कितना दूध पिलाया है। वहीं कहा कि नंदलाल गुप्ता सुसाइड मामले में दोषियों के खिलाफ कानून के हिसाब से कड़ी कार्यवाही होगी और अंतिम चरण तक न्याय मिलेगा और उनके परिवार को हर स्तर पर मदद भी दी जाएगी। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे सहित बलिया में हो रहे विकास पर कहा कि परिवहन व्यवसाय की समृद्धि का आधार होता है। बलिया सहित देश में विकास सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी और योगी ने देश का खजाना सुरक्षित रखा है। लिहाजा व्यापारी बंधुओं को मैं आश्वासन देता हूं कि अगर उन्हें व्यापार में कोई भी दिक्कत आती है तो बतौर एक सांसद में उनकी हर समस्या के समाधान के लिए हर स्तर पर प्रयास करूंगा। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि बलिया का संपूर्ण विकास ना होना अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण है। मैं नंदलाल जी के स्मृति को नमन करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनके परिवार को न्याय अंतिम दम तक जरूर मिलेगा। भविष्य में इस तरह के कार्य करने वाले जो बलिया में नहीं मिले। मुझे भाई ये जब बात प्रचारित हुई तो गृह मंत्री अमित भाई ने कहा मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, तो मैं जब उस बात को कह रहा हूँ तो फिर गृह मंत्री को मुख्यमंत्री को ये बात क्यों कहनी चाहिए? उससे ज्यादा शब्द में तो कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जब कहा हूँ इसका मतलब आपको मेरे कहने पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री की भी बात की प्रतीक्षा कर रहे कि मुख्यमंत्री कहेंगे तो कहीं ढेर कह दिए हमारा जो बरियार नेता देश में केहू ना होकर चल हम अपने क्षेत्र में का करे के चाहिए खूब ठीक से चलत लोग संयुक्त होके तेरे बैठी तो कोनो माई के लाल के हिम्मत ना रहा कि तोरे के बैठा के जाके तोरे से वसूली कर। आने वाले दिनों में अगर व्यवसाय करने वाले ही नहीं तो गैर व्यवसाय करने वालों को भी धमकी किसी ने दिया माई के लाल ने तो मुझे जानकारी दी गई मुझे जनप्रतिनिधि के नाते, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कानून उन पर काम करेगा और मैं छाती तान के उनको बताऊंगा कि उनके माई के दूध कितना उनको माँ के दूध पिला। ऐसे लोग बड़े कायर होते हैं, अपराधी बड़े कायर होते हैं। मैं अपराधियों से बहुत बहुत ही में भी लड़ा हूँ और मन करता है तो यहाँ भी लड़ लाना होगा। भारी मात्रा में हमारी सरकार ने व्यवसाय करने के लिए सुविधा दिया है। अगर कहीं से किसी तरह की कठिनाई होती है भाई हमको जानकारी देना, आपके कठिनाई का समाधान मैदान में होगा मैदान में करेंगे, घर में होगा घर में करेंगे, न्यायालय में होगा न्यायालय में करेंगे और सचिवालय में होगा तो सचिवालय में भी जरूर करेंगे। क्षेत्र का विकास हो रहा है, कहीं कहीं ग्रीन फील्ड बन रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है, जल परिवहन का काम हो रहा है। परिवहन का काम व्यवसाय के समृद्धि का आधार होगा। 1952 से देश की योजनाएं बन रही है, बलिया के लोग भी रेवेन्यू देते हैं, लेकिन अभी तक ये काम क्यों नहीं होता? तो जो भी विकास हो रहा है वो मेरे बाप के खजाने से नहीं हो रहा है, वो आपके खजाने से हो रहा है। भरोसा यही है कि मोदी जी ने भारत का खजाना सुरक्षित रखा है, योगी जी ने भारत का खजाना सुरक्षित रखा है और बलिया का खजाना मैं भरोसा दिलाता हूँ आपका भी खजाना सुरक्षित है। विकास इसी में बलिया का संपूर्ण विकास होना चाहिए। बलिया का विकास नहीं होना भी एक अपराध बढ़ने का कारण। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट।